सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज दिव्यांशु। आज मैं लाया हूं लिनक्स ओएस 17 रेडमी 4A के लिए। ये पहले आपको मैं बता दूं, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रोम है, मतलब मुझे अभी तक कोई एक लैग नहीं फेस हुआ है। मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रोम है। सो फटाफट इसका देख लेते हैं रिव्यू। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। सो गाइस, पहले मैं आपको बता दूं अनऑफिशियल रोम है। सो थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं, बट स्टिल मैंने जितना यूज़ करा है मुझे एक भी इशू नहीं आया। बस जो मेरे फ़ोन में इशू था, वो पिछले मैंने वीडियो में बताया था आपको, रोटेशन का इशू है मेरे फ़ोन में। सो वो मैंने फिक्स कर लिया, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं फटाफट उसके लिए वीडियो बना दूंगा। काफ़ी ज़्यादा ईजी, कोई ज़्यादा स्टेप्स नहीं है उसमें। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐप्स इसमें इंस्टॉल कर लिए हैं और मैं सारे चला के देखा हूँ, मतलब एकदम जो स्मूथ एक्सपीरियंस होता है वो मेरे को मिला है इसमें। एंड MIUI से भी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मेरे को इसमें मिला है। एंड इसका मैं आपको एक बार रिबूट टाइम दिखा देता हूँ। सबसे ज़्यादा कम इसका रिबूट टाइम है, या बोल सकते अपन बूटिंग टाइम सबसे ज़्यादा कम है मैंने अभी तक जो रूम देखी उसमें से। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जल्दी ये स्टार्टअप हो चुका है। इसका बूट टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब जितनी भी अभी तक रोम्स देखी मैंने, इवन MIUI को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बूट होने में, बाकी ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती है। एंड चलिए इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें सारी चीज़ें वर्क करती हैं, डेटा वर्क करता है, वाईफाई वर्क करता है, ब्लूटूथ वर्क करता है, टॉर्च वगैरह, ऑटो रोटेट सब वर्क करता है। ऑटो रोटेट तो मेरे फ़ोन में फिक्स करना पड़ा मुझे। बैटरी सेवर वर्क करता है एकदम फ्लॉलेसली, कोई दिक्कत नहीं आती है। एयरप्लेन मोड तो हमेशा की तरह वर्क करता है, हॉटस्पॉट वर्क करता है। एंड इसके अंदर डार्क थीम है, तो मैं आपको वाइट नॉर्मल थीम दिखा देता हूँ। वाइट थीम ये ऐसी है, बाकी डार्क थीम मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ डार्क थीम। एंड ये थोड़ा सा लैग होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना फ़ोन नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं इसका प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 425 है इसमें, तो इतना ज़्यादा अच्छा तो प्रोसेसर नहीं है, स्टिल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल जाता है ये। एंड इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो एकदम फेयरली सब मिनिमल है, मतलब इसमें ज़्यादा कोई कस्टमाइजेशंस नहीं है, एकदम स्टॉक एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी गई है इसमें। पर स्टिल इसमें अगर आप सिस्टम वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हैं आप, उसका लुक दे सकते हैं जैसा आपको चाहिए। जेस्चर्स में जाएंगे तो आपको नॉर्मल, जैसा अगर आप AOSP वाले रूम में देखेंगे वैसे आपको सारे मिल जाएंगे। आप इसमें फुल स्क्रीन जेस्चर्स भी इनेबल कर सकते हैं। अगर इसमें एक तरीका है फुल स्क्रीन जेस्चर को हमेशा की तरह इनेबल करना वाला, जैसे कोई दूसरे फ़ोन में आपने देखा होगा MIUI में, वैसे कैसे इसको इनेबल करना है, पहले आपको इसमें जाना है, देन आपको बटन्स में जाके आपको इनेबल स्क्रीन नैव बार इनेबल करना है, जब जाके आप ये बैक वाला जो ऑप्शन है जब आप इनेबल कर पाएंगे एंड ये एंड्रॉयड 10 का नैव बार इनेबल हो जाएगा। सो इसमें मेरे को नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी फुल स्क्रीन जेस्चर की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा फ़ोन है, पर स्टिल अगर आपको चाहिए तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। एंड बाकी सब तो नॉर्मल थिंग्स है, इसमें से ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। एंड इसकी बैटरी लाइफ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है जितने टाइम मैंने इसको इस्तेमाल करा है, क्योंकि MIUI जो 11 मैंने अभी एक रिव्यू डाला है उससे तो कहीं गुना ज़्यादा, मतलब इसका बैटरी लाइफ है। एंड बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, देख सकते हैं आप, मैंने फुल चार्ज किया था इसको 3 घंटे पहले, एंड 3 घंटे में 75% गई है, क्योंकि मैंने इसको कॉन्स्टेंट यूज़ करा है, मतलब लास्ट 3 घंटे में, मतलब कॉन्स्टेंटली मैं इसको यूज़ कर आ रहा था एंड स्टिल इसके पास 75% ही गई है। सो मेरे हिसाब से बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब मैंने इसको यूज़ इतना करा है, मैंने MIUI को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करा, बाकी इसकी बैटरी बैकअप मेरे को इतना ज़्यादा नहीं मिला अच्छा जितना इससे मिला है मेरे को, बट स्टिल बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी है रोम। बाकी सब तो नॉर्मल स्टफ है जो आपको मिल जाएगा, जिसको आप छेड़खानी नहीं करोगे हमेशा की तरह। एंड लाइव डिस्प्ले इसमें मिल जाता है, रीडिंग मोड इसमें वर्क करता है, जैसे ग्रे स्केल देख सकते हैं आप, ये पूरा जो भी कलर्स रहते हैं उसको डिसैचुरेट कर देता है, आपको ब्लैक एंड वाइट कर देता है आपका फ़ोन, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। नाइट लाइट कॉप, जैसे कि आप देख सकते हैं, नाइट लाइट कॉप सेट कर सकते हैं आपको जैसे लगेगा, आप इसको कभी भी कस्टम टाइम पे ऑन सनसेट टू सनराइज में सेट कर सकते हैं।
जो काफ़ी अच्छी चीज़ है मेरे लिए। आप फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले साइज चेंज कर सकते हो, स्क्रीन सेवर लगा सकते हो, एंड और इसमें तो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बाकी सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। एंड इसके अंदर एक और चीज़ है ऑडियो इफेक्ट्स, जिससे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप सारे इसमें प्रीसेट्स लगा सकते हैं, स्मॉल स्पीकर, रॉक, पॉप, जैज, हिप हॉप, काफ़ी सारे फीचर्स हैं, काफ़ी सारे प्रीसेट्स हैं जो आप लगा सकते हैं कि आपका जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है उसको अच्छा बना सकते हैं। एंड आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको कस्टम लगा देते हैं। एंड आपको इसमें कोई सा ऑडियो डिवाइस प्लग करना पड़ेगा, अभी पास मेरे पास अभी कोई लाइंग अराउंड नहीं है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये फीचर। ये काफ़ी सारे रूम्स में नहीं आता है, एकदम रूम्स ज़्यादा स्टॉक आती है। सो गाइस, सबसे पहले करना है आपको जाना है रिकवरी में। सो पावर बटन होल्ड करके रखना है, आपको यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप कोई सी और कस्टम रूम चला रहे हैं पहले से, तो या आप पावर ऑफ करके एंड देन पावर ऑन करके वॉल्यूम अप बटन को साथ में प्रेस करके रखेंगे, तो तब भी रिकवरी खुल जाएगी। सो गाइस, उसके बाद आपको करना है, आपको वाइप पे जाना है, आपको सिलेक्ट करना है डेल विक सिस्टम वेंडर डेटा कैशे, सबको सिलेक्ट करना है, स्वाइप टू वाइप कर देना है। फिर आपको जाना है बैक फाइल्स में जाना है, एंड आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपने डाउनलोड करी हुई रोम, मैंने डाउनलोड्स वाले फोल्डर में ही है। आपको फ्लैश कर देना है। अब आपको रिबूट सिस्टम पर क्लिक करना है। तो गाइस, इसको थोड़ा सा समय लगता है, तो ये जब स्टार्ट होते हैं मैं आपको तब मिलता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बूट टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हम फटाफट इसको सेटअप कर लेते हैं। देन नेक्स्ट कर देते हैं, हम जियो से करने वाले हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट स्किप कर दीजिए, अगर आपको सेटअप करना है तो आप सेटअप कर सकते हैं, एंड स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सेटअप हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।